सैफ अली खान और करीना कपूर ने 7 साल पहले 16 अक्टूबर को शादी की थी। करीना ने 10 साल बड़े और 2 बच्चों के पिता सैफ से पहले कोर्ट मैरिज की, फिर शानदार रिसेप्शन पार्टी दी। सैफ और करीना की शादी को देखकर लग रहा था कि इस कपल को अपना प्यार बड़ी आसानी से मिल गया, लेकिन ऐसा है नहीं। जी हाँ, करीना और सैफ दोनों को ही हर प्रेमी जोड़े की तरह बहुत इम्तिहान देने पड़े थे। करीना ने वोग इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में खुद इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि सैफ से शादी करने के लिए उन्होंने घर से भागने का प्लान बना लिया था। करीना ने कहा था, हम अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए हमने अपनी फैमिली को धमकी तक दे दी थी कि अगर हमारी शादी मीडिया का सर्कस बनी तो हम घर से भाग जाएंगे। करीना ने कहा था कि हर कोई हमारे बारे में छोटी से छोटी खबर भी जानना चाहता था। हमने कोर्ट मैरिज की और छत पर आकर मीडिया को संबोधित किया। शादी से पहले करीना और सैफ लिव इन में रहे थे, फिर 5 साल के रिलेशनशिप के बाद शादी के बंधन में बंधे। करीना ने शादी से पहले सैफ के सामने एक शर्त भी रखी थी। इस बात की जानकारी भी करीना ने एक इंटरव्यू में दी थी। उन्होंने कहा, मैंने सैफ को अपना लाइफ पार्टनर इसलिए चुना था क्योंकि मैं एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमन की तरह रहना चाहती थी। मैं शादी के बाद भी काम करना चाहती थी और सैफ ने मेरी ये बात मानी थी। सैफ से शादी से पहले करीना शाहिद कपूर को डेट करती थी। साल 2007 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। फिर फिल्म टशन के दौरान करीना की मुलाकात सैफ से हुई। यहीं से दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। शूटिंग से वक्त निकालकर दोनों साथ में घूमने जाते थे। फिर इनके अफेयर की खबरें उड़ने लगी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। करीना से पहले सैफ ने 1991 में अपने से 12 साल बड़ी अमृता सिंह से शादी की थी। दोनों अपने घर वालों के रिएक्शन से डरे हुए थे, इसलिए दोनों ने छिपकर शादी कर ली थी। 13 साल तक एक दूसरे का साथ निभाने के बाद अमृता और सैफ 2004 में अलग हो गए। सैफ और अमृता के सारा अली खान और इब्राहिम खान नाम के 2 बच्चे हैं। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।